ऐसा पात्र जो पद में आसीन हो जाता है जिसके लिए वो लायक नहीं रहता, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, जैसे दुर्ग की जनता भुगत रही है। ये आरोप लगाते हुए दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी केश चौहान ने कहा कि महापौर अनुभवहीन है, वे अपने काम के प्रति उतने ज्यादा सशक्त नहीं है। उन्होंने महापौर के ऊपर अनुभवहीनता का ठिकरा फोड़ते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। ऐसा पात्र जो पद में आसीन हो जाता है जिसके वो लायक नहीं रहता है, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, जैसे दुर्ग की जनता भुगत रही है। जो महापौर जी हैं वो अनुभवहीन हैं और वो अपने काम के प्रति उतने ज्यादा सशक्त नहीं है और उनको कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। नगर निगम में भी उनका कोई कहना नहीं मानते हैं, उनको सिर्फ एक ही निगाह से देखा जाता है कि ये फला के फॉलोअर्स हैं, बस इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। इसी वजह से नगर निगम का कार्य जो है वो नगण्य हो रहा है और ये जो इसकी जनता जो भुगत रही है, जो पानी के लिए जो पहले गर्मियों में भुगतती रही, अमृत मिशन आपने पूरा सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया, जिसका पूरा का पूरा आप लोग की जवाबदारी थी और आप लोग ने नहीं किया। और जो जांच एजेंसी थी उनको रोक दिया गया, उनको चुप करा दिया गया, एम के प्रकार उनको चुप करा दिया गया और वो पूरा काम हुआ नहीं, जिसके लिए तरसती रही जनता पानी के लिए। और आज थोड़ी सी बारिश में 8 से 10% सिर्फ बारिश ज्यादा हुई है एवरेज औसत बारिश से, उसमें भी आपके नदी नाले इतने ज्यादा भर चुके हैं। ये व्यवस्था दिखाती है आपकी कि आपकी क्या तैयारी थी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है, आपने ना प्रिवेंशन किया अब ना क्योर कर रहे हैं। 1-1.5 महीने पहले ही हमने मीडिया में बोला था, दूसरों को भी बोला था, उनको ज्ञापन भी सौंपा था कि आप जलकुंभी को हटाइए, उसका खामियाजा हमारे को भुगत, और आज हम भुगत रहे हैं जलकुंभी को। उसको खाना पूर्ति दिखाने के लिए उसको थोड़ा बहुत व्यवस्थित किया गया, पूरी जलकुंभी नहीं हटाई गई, जिसके कारण आज पानी रुक गया और वो नदी नाले उफान में आ गए, उसका खामियाजा कौन भुगत रहे हैं? दुर्ग की जनता भुगत रही है। ये होता है अनुभवहीनता का नतीजा, ये होता है सिर्फ चाटुकारिता पाके पद लेने का नतीजा, ये होता है पद को दल किनारे रख के अपने दल को, अपने एक नेता को जिसको आप फॉलो करते हैं उसको खुश करने का नतीजा, जिसकी हम आप खुश करिए हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो दुर्ग की जनता मत भोगे। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि कैसे भी करके ये जो जल पीने का है और जो बाहर भरा हुआ है ऊपर, उसको व्यवस्थित करवाइए, कैसे भी युद्ध स्तर पे आप काम करवा के कराइए, जिसमें आप नाकाम रहे हैं अब प्लीज आप करवाइए। और फॉलो करना कम करिए, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको वोट देके आगे करा है।